नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से सिरसा के रानिया, डबवाली और एलनाबाद में नगरपालिका नगर परिषद के नतीजों का कल से ऐलान हुआ था, तो जहां पर एलनाबाद में निर्दलीय समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी ने चेयरमैन जो बनने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं पर डबवाली और रानिया में INLD का कब्जा हो गया है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जो नेत्री हैं सरोज वाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि तीनों ही स्थानों पर आम आदमी पार्टी की जो हालत है बहुत वो खस्ता रही है। सबसे पहले सरोज, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं तेज हरियाणा के सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। पहला ही सवाल है, क्या वजह मानते हैं कि सिरसा की तीनों जगह पर, डवाली की बात करें, रानिया की बात करें या मैलनाबाद की बात करें, आम आदमी पार्टी का पूर्ण तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, क्या वजह? आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले हैं वो ईमानदारी और केजरीवाल जी की कार्यनीति के कारण ही मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी को वोट कम जरूर मिले हैं, लेकिन 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उनके मुकाबले आम आदमी को 15 से 20 गुना वोट बढ़कर मिले हैं। तो आपको लगता है कि जो आपका वोट प्रतिशत का जो मार्जिन है वो बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है जी। लेकिन सरोज, आपको नहीं लगता कि पंजाब से उत्साहित हुई इतनी लवरेज पार्टी आपकी, जो एक बहुत प्रचंड जीत लेकर आई, लेकिन साथ लगता तो एक डवाली इलाका था, वहाँ पर तो आपका असर होना चाहिए था, वहाँ पर भी आप बहुत तरीके से फेल हो गए हैं। वहाँ पर आपको 1500 वोट मिले, तो रानिया में उससे भी हालत खस्ता है, एलनाबाद में उससे भी खस्ता है, तो क्यों पंजाब फैक्टर क्यों नहीं चल पाया? ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले हैं वो पंजाब और केजरीवाल जी की विचारधारा से लोगों ने प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को दिए हैं। और जैसे देखा जाए कि ये 15 से 20 गुना वोट का बढ़ना आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। और हमारे चेयरपर्सन भी जीते हैं इस्माइलाबाद से, निशा गर्ग जी। तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की हरियाणा में अपनी पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से आपके कैंडिडेट डवाली से थे, उन्होंने आपके ही नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनके ऊपर वो टिकट बेचने के आरोप लगाए और ये भी कहा कि कांग्रेस से आए नेताओं ने आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर दिया, और पूरे चुनाव में देखा, हमने आपको भी साथ में देखा, वो नेताओं की दूरी रही। वो नेता आपके चेयरमैन पद के दावेदार जो आपके थे सुमन सचदेवा के साथ नहीं चले हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गुटबाजी की वजह भी आम आदमी पार्टी के ग्राफ को नीचे लगी? आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचा नहीं गया जी, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बिल्कुल बड़ा है। और सुमन सचदेवा जी ने काफ़ी मेहनत की है और बाकी दोनों जगह से डवाली में हमारे जो वोट हैं वो 15% बढ़े हैं जी। लेकिन आपको लगता है कि आप आधार बनाने में जुटे थे निकाय चुनावों से, लेकिन आपका मिशन 2024 है, आपको नहीं लगता कि शुरुआत से ही इतनी परफॉर्मेंस आपकी खराब हो गई है? लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि झाड़ू तिनका तिनका बिखर गया। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जवाबदेही आपके लिए कितनी नकारात्मक है कि आपकी पार्टी आधार भी नहीं बना पाई ऐसे सिस्टम में? अभी तो हम पास हुए हैं गुरविंदर जी। हमारी पार्टी पहले हरियाणा में हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, अभी तो हम पास हुए हैं। अब से पहले हरियाणा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था, हमारी पार्टी के चेयरमैन जीत कर आए हैं, यहीं से तो शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी का वोटों का सत्र है वो बड़ा है। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को 0.48% वोट मिले और अब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 10% वोट का बढ़ना, मतदान आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रेस की है। इसलिए इस्माइलाबाद में निशा गर्ग जो चेयरपर्सन बनना ये तय करता है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा
डबवाली में आपके कैंडिडेट को इतना बड़ा क्या डर था कि वो अपना नतीजा सुनने भी नहीं आए, जहां पर तमाम पार्टियां के जो चेयरमैन पद के जो दावेदार रहे, जो चुनाव लड़े, उन्होंने वहां पर आकर अपनी सीट पर बैठकर अपने नतीजे सुने। चाहे कांग्रेस भी हार गई, भाजपा भी हार गई, आम आदमी भी हार गई, हार सबके लिए बराबर है, लेकिन आपके कैंडिडेट का मतदान केंद्र में भी ना पहुँचना, इसके ऊपर भी संशय लगता है कि क्या आपने बिल्कुल ही मतलब घुटने टेक दिए हार के सामने? हमने बिल्कुल घुटने नहीं टेके हैं जी। हमारी जो सुमन सचदेवा जी थे, उनके प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब थी उनकी, और उनके हस्बैंड और बेटा मतदान के अंदर फैसला सुनने गए थे, और जनता जनार्दन है जी, जनता ने जो हमें फैसला दिया है वो फैसला हमें मंजूर है। लेकिन सरोज, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रचार उस स्तर पर नहीं हो पाया, क्योंकि आरोप है कि पार्षदों की तरफ से कि उनके पास तो उनके बूथ पर आपके कैंडिडेट भी नहीं पहुंच पाए और आप लोगों तक भी उतना नहीं पहुंच पाए। आपको लगता है कि प्रचार में रही कमी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी है? ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लीडर थे वो पहुँचे हैं। हो सकता है वो आपकी उसमें ना आए हों, बाकी हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, हमने डोर टू डोर किया है और तीनों जगह अच्छा मतलब तैयारी की है हमने वोटों की। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा करेंगे। जैसे आप देखो बीजेपी से पेहोवा और घरोंडा और वहाँ कुंडली में 100 वोट से भी कम से आरना आम आदमी पार्टी के लिए मतलब बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन डवाली रानी इलाहाबाद में तो आपका एक एमसी भी नहीं जीत पाया। जीत नहीं पाए लेकिन वोट 70 है, वो काफ़ी बड़ा है जी। क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी की आगे की तैयारी क्या रहेगी? आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो भी मतलब हम बूथ स्तर से लेके फिर से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में हम फिर से इलेक्शन। क्या क्या आपकी पार्टी इस करारी हार के ऊपर मंथन करेगी? कोई आपको लगता है कि क्या आपकी जो आपने पिक एंड चूज किया था उसमें कहीं गलती रह गई, आप अपने संगठन को साथ नहीं जोड़ पाए, आपके साथ जो नेता जुड़े आप उनको एकजुट नहीं रख पाए? ये सब जी हमारी पार्टी पुनः विचार करके और इस पर मंथन करेगी सर। जो जनादेश आपको दिया है सरकार, आपको जनता ने बिल्कुल स्वीकार है जी, जनता जनार्दन है और हम जनता का सम्मान करते हैं। ठीक है, आपने मैडम वक्त निकाला, तेज रैना के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वरिष्ठ नेत्री सरोज मानव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने ये दावा किया है कि 2024 के मिशन की तैयारी हम आज से ही शुरू करेंगे। प्रचार में रही कमी भी उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस की है कि उस लेवल पर हम नहीं कर पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए और अब तक के इस चुनाव के सफर में वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा किया है, लेकिन रानिया और इलाहाबाद की बजाय डवाली में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। ये डवाली पंजाब के लिहाज से एक अच्छा संकेत हो सकता है कि लोग आज भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को अपना फैन मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर मंथन का विषय आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला है कि उन्हें अभी मंथन की आवश्यकता है, नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। कहीं ना कहीं गुटबाजी, प्रचार में रही कमी और कैंडिडेट की चुनाव के प्रति दिलचस्पी ना होना ही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी जरूर रखिएगा।